और अब झाड़ू लगा रही है नंदिनी। बहुत ज्यादा गंदा निकला क्या? पलंग के अंदर आपने झाड़ू लगाया ही नहीं है। पलंग के यार अंदर लगाना तो पूरा पता है, पलंग के अंदर लगाने का 3 लाख लूंगा मैं। 3 लाख क्यों लोगे? कौन सा वो डेंगू और मलेरिया का मच्छर मिल रहा है? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह हो गई है मेरी गोवा में। और एक्चुअली मैं थोड़ी लेट उठी हूँ आज, क्योंकि कल फोटो वगैरह वीडियोस वगैरह एडिट करने में बहुत रात हो गई थी। और अब मैं जाऊँगी आज जाके, अभी कॉफ़ी नहीं तो चाय बनाऊँगी। ये देखिए बाहर का इधर का व्यू, सुबह सुबह एकदम शांत लग रहा है। फ्रेंड मैं भी उठ चुका हूँ और लगभग लेट हो चुका है, क्योंकि कल आने में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बीत गया, उसके कारण हम लोग फिर अब लेट से उठ पाए, सोने में टाइम लग गया था। और यहाँ पे नंदिनी चाय बना रही है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये सुबह की चाय बन रही है और लगभग बन चुका है चाय। और अब चाय और बिस्किट, शायद बिस्किट था नहीं पर थोड़ा सा बचा हुआ था पहले का ही। मैं तो चाय बनाता नहीं हूँ कभी अकेले के लिए, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है इतना, मतलब अकेले के लिए चाय बनाओ और फिर बर्तन धोना ये सब चीज़ें, तो मैं मेन चीज़ है जो अपना फूड वही बनाता हूँ, चाय मैं स्किप कर देता हूँ। लेकिन नंदिनी जब भी आती है तो हम लोग चाय पीते हैं, और मैं उसके वहाँ पर भी जाता हूँ तो भी चाय पीता हूँ। तो फ्रेंड्स अब चाय पीने की बारी, और हमारा चाय बन चुका है और हम लोग बैठ के बालकनी में चाय पी रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे ताज होटल तो जा नहीं सकते, पर ये जो अपना बालकनी हम इसी को ताज होटल मानते हैं। और यहाँ पे बैठ के आराम से सुकून से बैठ के जाओ और यहाँ पे चाय पियो, बहुत अच्छा लगता तो है। तो यहाँ पे सही बात है, यहाँ पे बैठ जाओ और एकदम बाहर एकदम ग्रीनरी देखते रहो और चाय पियो, एकदम बेस्ट प्लेस है चाय पीने के लिए। और ये आपको है ना, मतलब आप ताज अगवाड़ा ये सब होटल में जाओगे, उनकी बालकनी वाला फील देता है हमें, मतलब सस्ते में सबसे अच्छा वाला फील देता है। मैं दिखाता हूँ आपको बाहर कितना मस्त लगता है देखने से। और आज क्या क्या प्लान है, कहाँ जाओगे? आज कहीं नहीं जाना है। क्यों? घर पे सारे काम कौन करेगा? सारा काम खत्म किया हुआ, कोई भी काम नहीं है यहाँ पे। सारे कपड़े गंदे करके बाथरूम में रखे हुए हैं। कुछ नहीं, सब साफ है। क्या साफ है? साफ है। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि अभी मुझे सारे कपड़े वगैरह साफ करने, पर इन्होंने क्या कहा था कि नहीं सारे कपड़े धुले हुए। ये देखिए, ये जितने कपड़े इन्होंने टांग के यहाँ पे रखे हैं, ये सारे कपड़े धोने के लिए हैं। और कह रहे थे क्या कि मुझे कपड़े नहीं धोने हैं, कुछ नहीं है, सब साफ किया हुआ है। क्या बोला था आपने? यार कपड़े धोना मुझे बहुत बोरिंग लगता है। तो क्यों बोला था? तो मैं क्या करूँ, कपड़े तो पहन के ऑफिस तो जाना ही है ना, तो वो कपड़े मैं पहन, मैं वो जानती हूँ ना इनका कि ऐसे ही करते हैं। पर होता है क्या, ऑफिस में जाके कपड़े पहनने इतना गंदा नहीं होता है, तो मैं आराम से 1 वीक तक 2 वीक तक तो पहनता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता उससे मुझे। अब मुझे वो सारे धोने हैं। तो अब किचन की सफाई स्टार्ट हो गई है, एक्चुअली पूरे घर की सफाई चल रही है और सारा घर साफ करेंगे अभी नंदिनी, ताकि फिर इनके जाने के बाद घर कुछ और दिन तक ऐसे चमकता रहे। ऐसी बात नहीं है कि मैं घर साफ नहीं करता हूँ, ये इसको लगता है कि मैं घर साफ नहीं करता हूँ, पर ये आती है 2 महीनों में 1 बार, तो घर तो मुझे ही साफ रखना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे, बीवी बोलती है और आपको सुनना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि अच्छे से खुशी खुशी खुशहाल परिवार बना के रखो, तो झाड़ू लगा रही है नंदिनी। बहुत ज्यादा गंदा निकला क्या? पलंग के अंदर आपने झाड़ू लगाया ही नहीं है। पलंग के यार अंदर लगाना तो पूरा पता है ना, पलंग के अंदर लगाने का 3 लाख लूंगा मैं। 3 लाख क्यों लोगे? कौन सा वो डेंगू और मलेरिया का मच्छर मिल रहा है? और आज नंदिनी सारे डोरमेट धोने वाली है, क्योंकि ये डोरमेट जब से खरीदे हुए तब से ऐसे ही गंदे पड़े थे, तो ये सारे डोरमेट धोकर फिर इसे डाल देंगे सूखने के लिए। और इतने गंदे हो चुके हैं ना कि जैसे ही पानी में डाला पूरा पानी गंदा हो गया है। अच्छा, और ये बता रही है पूरा पानी काला हो चुका है, काले पानी की सजा मिली है आज। बहुत ज्यादा गंदे थे डोरमेट्स, और मैं कपड़े तो मुश्किल से धो पाता हूँ, तो डोरमेट्स तो धोने का सवाल ही नहीं उठता है। तो आज सारा सारा घर सफाई हो रहा है और सब कुछ धोने वाली है, जो भी कुछ गंदा है यहाँ पर।
और उसके बाद फिर नाश्ता बनाएंगे हम लोग जल्दी से। नंदिनी बालकनी धो रही है क्योंकि मैं बालकनी भी बहुत दिन से धोया नहीं था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा था, तो सारा झाड़ लगा कर बस कोने में इतना गंदा था, सब पाइप से बाहर चला गया और बालकनी भी हमारी साफ़ हो गई। हो गया ना साफ? ये पूरे पूरे घर को तुमने भिंगा दिया यार। पूरे घर को नहीं भिंगाया, जहाँ पे जरूरी लगा वहाँ पे भिंगाया। पूरा घर को तुम पानी से धो रही हो आज? पूरे घर को कहाँ धोया मैंने, बस बाहर जहाँ पे कचरा वगैरह रहता है। ओके, तो मैं लाता हूँ सब्जी लाने के लिए क्योंकि इसको और काम है और ये कुछ काम कर लेगी घर पे ही, और तब तक मैं सब्जी लेके आता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, आज अंडा करी बना दूंगी और कल के लिए कुछ ऐसे ही लेते आओ। ओके, जल्दी जाओ और वापस जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ जल्दी से। सब्जी लेकर आ चुका हूँ और अब जाते हैं जल्दी से, खाना बनेगा और मुझे गाड़ी भी दूसरी जगह पार्क करनी पड़ेगी। यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है और पार्किंग के लिए कोई सेड नहीं है मेरे पास यहाँ पर। ये गाड़ी मेरी धूप में ही खड़ी रहती है दिन भर, तो इसके लिए सेड का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ इसे यहाँ पर छाए में लगा देता हूँ, नहीं तो ये धूप में एकदम गर्म हो जाती है और पूरा अंदर से गैस का गुब्बारा बन जाता है। ये गाड़ी को थोड़ा छाए में लगा दिया जिससे थोड़ी तो राहत मिल जाएगी, नहीं तो ज़्यादा धूप में रहने के कारण गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। अंडा उबल चुका है और फ्राई भी हो गया और अब प्याज काट रही हैं ताकि जल्दी से ग्रेवी बन पाए इससे। और ये प्याज कट गया है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारीक हो चुका है और एक बार में ज़्यादा बारीक हो, ज़्यादा ही कड़वा था ये प्याज, इससे भी काटने के कारण फिर भी रो रही है। अब क्या करने वाली हूँ, चढ़ा दिया है चावल धो रही है ताकि जल्दी से सब्जी और चावल बन जाए और हम लोग दोपहर का खाना खा सकें। नहीं तो मसाला तो बहुत अच्छा बन रहा है, देख के लग रहा है कि मसाला टेस्टी है। और इसमें जल्दी से मसाला पकने के बाद अंडा डालेंगे, एग डालेंगे और राइस भी बन जाएगा एक तरफ। चावल भी बैठ गया है और सब्जी भी लगभग बनने के तैयार ही है, बस अंडा उसमें एग को डालना है। खीरा काट रही है नंदनी। हाँ, सब्जी ऑलमोस्ट हो गया है, चावल भी चढ़ा दिया है मैंने और सलाद के लिए खीरा काट रही हूँ। ओके, सोचो मैंने कितनी जल्दी खाना बना दिया। और अब अंडा भी ग्रेवी में डाल दिया है और अब इसमें धनिया पत्ता डालना है। ये रहा धनिया पत्ता, धनिया पत्ता भी डाल दिया इन्होंने अब। और बस अब इसको 5 से 10 मिनट थोड़ी सी पानी डालूंगी और बॉईल करूंगी और फिर हमारा सब्जी बनके तैयार। ओके, और राइस और कितना टाइम लगेगा राइस में? राइस भी 5 मिनट में हो जाएगा। ओके, और फाइनली हम लोग का खाना तैयार हो चुका है। नंदिनी खाना निकाल रही है। ये हमारा सलाद रहा, ऑनियन और खीरा और अंडा भी बन चुका है। जल्दी से खाना निकाल के खाते हैं। खाना आ गया है, चलो जल्दी से खाते हैं खाना। और हम लोग का खाना आ चुका है और अब चलिए जल्दी से खाना खाते हैं। खाना टेस्टी है आज, तो बहुत दिनों के बाद वाइफ के हाथ का बना हुआ खाना खाने को मिल रहा है मुझे, तो जल्दी से खाना ख़त्म करते हैं। लोगों का खाना हो चुका है और अब जा रहे हैं हम लोग आराम करने क्योंकि सुबह से ही लगे हुए थे हम लोग। और अब जाएंगे, देखते हैं शाम में हो सकता है तो कहीं घूमने के लिए जाऊंगा नंदिनी को लेके, क्योंकि 3 दिन है तो 3 दिन कहीं कहीं भी घुमाना है मुझे यहाँ गोवा में। और अब चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय।